स्टार्ट रोल रोल। और कल वाले भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, है ना? रोल रोल रोल। निशा जी, जाना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी ने पवन सिंह जी पे बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि उनका जो करियर है उसको वो खत्म करने के फिराक में है, और बहुत दुर्व्यवहार किया उनके साथ। क्या कहना चाहेंगे कि कितने दुख की बात है कि इस तरह के आरोप लगाना एक नामी गणमान्य हस्ती पे? सबसे पहले तो मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आते के साथ आपने बम फोड़ा है सबसे पहले सवाल में। तो पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मेरा जो भी होगा कमेंट्स में जो भी करूँगी वो किसी को ये लेके नहीं करूँगी कि वो मेरे बहुत क्लोज हैं या अक्षरा जी मेरे बहुत क्लोज हैं या पवन जी मेरे बहुत क्लोज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने आज तक पवन जी के साथ काम किया, ना मैंने आज तक अक्षरा जी के साथ काम किया। तो मेरे लिए जो मेरे नज़र में वैल्यू पवन जी की है वही अक्षरा जी के लिए। तो बात अगर करूँ करियर की कि वो उनका करियर ख़त्म करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप साथ में काम भले ना की हो, लेकिन जानती तो होंगी निजी तौर पे आप कितनी बार मुलाकात किए होंगे कहीं फंक्शंस में या ऐसे भी? नहीं, ये बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी बीच में हमारी एक एक्ट्रेस ने कमेंट किया था पवन जी को लेके कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं और हमारे फ़ोन पे कन्वर्सेशन होते रहते हैं। तो मैंने कमेंट्स में देखा लोगों ने ये बोला कि जो अक्षरा जी के सपोर्ट में जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो पवन जी के साथ काम करती है तो ये तो उनके फेवर में ही बोलेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले क्लियर किया कि मेरा किसी के साथ कोई वैसा निजी संबंध नहीं है, और मैं जो भी बोलूँगी अपने हिसाब से बोलूँगी, मुझे जो लगता है कि हाँ अगर ये सही है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बोलूँगी। तो मतलब आप न्यूट्रल रहना चाहती हैं, आप ना अक्षरा जी के पक्ष में हैं ना पवन जी के पक्ष में? नहीं नहीं, पक्ष की बात नहीं है, कैसा है पहले ये चीज़ डिसीजन ले लेते हैं पब्लिक। मैंने देखा है कि जब भी किसी का ऐसा बयान आता है तो पहले लोग डिसीजन, अच्छा ये पवन जी को खराब बोल रही तो इसको गाली देना चालू कर दो, अक्षरा जी को खराब बोल रही तो गाली देना चालू कर दो। तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी के पक्ष से नहीं बोलूँगी। हाँ, मुझे अगर लगता है कि अक्षरा जी गलत है तो मैं बोलूँगी कि वो गलत है, अगर मुझे लगता है पवन जी गलत है तो मैं उनको बोलूँगी। लेकिन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरी पर्सनल राय है कि मैं यहाँ पे पवन जी को गलत नहीं बोल सकती। तो पवन जी को गलत नहीं बोल सकती, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन अक्षरा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जिस तरह से लगा रही हैं आरोप, उनसे आप जब मुलाकात की कैसा बात व्यवहार रहा उनका, आपके साथ कैसा रिश्ता रहा? मेरे बहुत अच्छे रिलेशन से, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम मिलते जुलते रहते हैं बीच में। लेकिन ये जो कॉन्ट्रोवर्सी, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता हमारी इंडस्ट्री को रोका गया है। पहले एक बार अभी कुछ दिन पहले खेसारी जी का, प्रियंका पंडित जी का ये सब चल रहा था, अभी सडनली वो शांत नहीं हुआ, अभी ये फिर से चालू हो गया। अभी क्या चल रहा है, लोग क्यों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। अक्षरा जी ने बोला कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहती थी, उनका बैग उठाती थी और उनको उठाती थी। चलो ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, वो आपका पर्सनल निजी मामला। पहली चीज़ की तो अपने घर के अंदर जो बातें चल रही हैं आपने एक्सेप्ट किया ऑन मीडिया की, हमारे रिलेशंस भी थे। तो अगर आपके रिलेशंस थे, आपने अपने रिलेशन में क्या किया, उन्होंने आपके लिए क्या किया, वो तो ऑन मीडिया आके नहीं बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया। आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं? अगर तकलीफें हैं, अगर चीज़ें वहाँ पर बिगड़ रही हैं तो आप पर्सनली उनसे जाके मिलिए, उनको फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। घर की चीज़ ऐसे पब्लिकली ये सब करना मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन निशा जी, ये जानना चाहूँगा कि आप खुद एक औरत हैं, आप नहीं समझ सकते इस बात को कि जब किसी को तकलीफ दिखा सर औरत को, तो एक औरत को सहयोग करना चाहिए उसका इस मोड़ पर? हाँ, सहयोग करना चाहिए, और अगर केवल गलती अगर एक साइड से होती तो ज़रूर मैं सहयोग करती, बिना जब तक ये दोनों हाथ नहीं चपकता ना ताली नहीं बजती, गलती दोनों तरफ से होती। तो मेरी सबसे बड़ा पॉइंट मेरा यहाँ पर यही है कि जब आप रिलेशन में आई, क्योंकि सॉरी मैं ये बात नहीं बोलना चाहिए, आपने एक्सेप्ट किया ऑन मीडिया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जब रिलेशन में आई तब तो आपने मीडिया वालों से नहीं पूछा कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। जब आपने फिल्में करना स्टार्ट किया तब तो आपने किसी से नहीं पूछा। आज जब चीज़ें बिगड़ रही है या बिगड़ी होंगी तो फिर क्यों आप पब्लिकली क्यों ये सब चीज़ें कर रही हैं, मीडिया के सामने क्यों कर रही हैं? जब उस वक्त सीक्रेट सीक्रेट सब कुछ किया तो अभी सीक्रेट करो ना, ये चीज़ है मेरे हिसाब से। लेकिन प्रोफेशनली कभी कोई कंपटीशन रहा है इससे आपका, मतलब आपकी फिल्में हो या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो साथ में आया और आपको लगा कि? नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई कंपटीशन है, अक्षरा जी मेरे से बहुत सीनियर हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मेरा उनसे कोई कंपटीशन, वो उनका अलग जोनर है मेरा अलग जोनर। ठीक है, अब रिश्ते की बात करते हैं तो रिश्ता बनाना मतलब लड़की या लड़का भी हो, जो भी हो, मर्द औरत का एक आम बात है, तो इसके खिलाफ आप क्यों हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं कि? मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मेरा बस इतना कहना है कि हम सब लोग एक इंडस्ट्री का हिस्सा है, मतलब हमारी इंडस्ट्री एक परिवार है, परिवार का एक लड़का या एक लड़की अगर गलत करता है तो पूरा परिवार खराब होता है, सबके नज़र में, पूरे गांव के नज़र में उस परिवार को लोग गलत बोलते हैं।
तो ये हमारा परिवार है, अगर कोई एक गलत कर रहा तो सबको उसी नज़र से देखा जाता है, कल को हर जगह वही चीज़ें उठती हैं। अभी आप आए हो, आप ये सवाल पूछ रहे हो, अभी कल को मैं किधर भी शोक ले जाऊंगी वहाँ भी सेम ही सवाल उठेगा। तो आप ये छीछा लेदर प्लीज़, और मीडिया के सामने ये सब छीछा लेदर मत करो, आप केस करो, मुकदमा करो, FIR करो, जो करो, पर पर्सनल लेवल पे करो, ऐसे सबके सामने करना इट्स नॉट गुड। नहीं लेकिन आप ये बोल रही हैं, लेकिन एक नाम भी लड़की अगर होगी, मान लीजिए कल को उसके साथ कुछ छेड़खानी हो या कुछ दुर्व्यवहार करे कोई, तो वो भी तो इस तरह से मीडिया के सामने आके हाँ कर सकती है ना। अगर अगर आपका पहले उसके साथ रिलेशन ना रहा, आप पहले रिलेशन बनाते हैं, आप पहले सब कुछ मतलब भोजपुरी में कहा था कि कुआ में कुआ पकैलू अकेले अकेले, और अब जब सबके सामने आ गए तो दिक्कत हो गया था। तो वही चीज़ है कि जब आपने मैं अक्षरा जी को भी गलत नहीं बोलूँगी, बस उनका जो वे है वो गलत है। आप सब कुछ करिए, आपके आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, लेकिन ऐसे छीछा लेदर करके अपनी इज्जत के भी आप वाट लगा रहे हो, उनकी इज्जत के भी वाट लगा रहे हो, ये मत करो बस। और ऐसा भी माना जाता है कि पवन जी का जो व्यवहार है बहुत, मतलब उनके अंदर ये है कि वो जहाँ डोमिनेट करते हैं हर जगह वो चीज़ों को, मतलब फिल्म की बात हो या शोज में भी, वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने तो जहाँ तक सुना है, शोज तो मैंने किए हैं उनके साथ, फिल्में भले नहीं करी, लेकिन इंडस्ट्री में हूँ तो जो भी चीज़ें होती है सुनने को मिलता है। मैंने तो सुना जब अक्षरा जी उनके साथ में थी तो उनके शोज भी वही डिसाइड करती थी कि कौन सा डेट में पवन जी खाली हैं तो शो करेंगे या नहीं करेंगे। फिल्मों के डेट्स भी अक्षरा जी ही कन्फर्म करती थी कि इस डेट में करेंगे। इवन फिल्म में फर्स्ट लीड अगर अक्षरा जी हैं तो सेकंड लीड कौन रहेगा वो भी अक्षरा जी ही डिसाइड करती थी, जहाँ तक मैंने सुन रखा है। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि पवन जी ऐसा है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब इंडस्ट्री के लोग को रोकते हैं वो कि आप अक्षरा के साथ काम नहीं करो, और इंडस्ट्री के लोग इतने डरे हुए हैं कि वो ये नहीं चाहते कि वो काम करें उनके साथ, क्योंकि उनको एक कैरियर में सेटअप होगा, मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि रुकावट होगा। तो ऐसा तो नहीं है, काम तो कर ही रही है, पवन जी भी वेब से गाते हैं गाने, वो भी वेब से गाने गा रही हैं, ऐसा तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा, वो भी काम कर रही हैं। अगर पवन जी ने ऐसा अगर कुछ किया है ठीक है, तो आप क्या बोलने पे आप ट्रस्ट करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपने मुझे धमकी दी है तो आप लोग ट्रस्ट करेंगे? बिकॉज मेरे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने मुझे धमकी दी है, कुछ लाइक कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स या ऐसी कोई ऐसा कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि हम ऐसे किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल देंगे। देखिए मैंने पहले बोला कि मैं पवन जी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस सही और गलत को सपोर्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे फालतू में किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालिए, ये वो हमारे इंडस्ट्री के रेपुटेटेड पर्सन है, तो ये चीज गलत है, बस इतना ही मेरा। और प्रोफेशनली जानना चाहूंगी क्या कर रही हैं, कोई शो या कोई प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? हाँ फिलहाल कल मेरा शो है देवघर में, मैं अभी जस्ट इंटरव्यू के बाद निकलने वाली हूँ, कल वासुकीनाथ में मेरा शो है स्टेज शो, तो अगर वहाँ से मुझे लोग देख रहे हो तो प्लीज आप लोग सब कल जरूर आइए मेरे शो में और ढेर सारा एंजॉय करें। अच्छा, ये आमतौर पर जो नाम जोड़ा जाता है, अक्षरा जी और पवन जी की बात नहीं है, दिनेश जी हैं और अमृतपाल जी हैं और खेसारी जी और काजल जी हैं, ये फायदेमंद होता है आपको लगता है करियर के हिसाब से आर्टिस्ट के लिए? क्या बताऊँ यार, मतलब ये बहुत सी चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ पर नहीं बोल पाते, इसलिए क्योंकि चीज़ों की डेप्थ को वो नहीं समझता, बस सब गाली गलौज और गंदी बातें कमेंट्स में। मैं पब्लिक से भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी पहले इस चीज़ को समझिए कि कौन सही है कौन गलत है, इस बात में कितने हद तक सच्चाई है, तो फिर आप लोग भी कमेंट्स करिए। बिकॉज क्या हम चाह के भी सच्चाई नहीं बोल पाते हैं कि मतलब क्या बोलूँ, क्यों दूसरों के पछड़ों में अपना कि दामन गंदा करें, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और ये जो जोड़ी जो चल रही है, पहले लोग कहते थे जोड़ियाँ हिट होती हैं इसके लिए पब्लिक पसंद करती हैं, मैं तो आज के डेट में सुन रही हूँ जितनी फिल्में आ रही है, टू बी वेरी फ्रैंक जितनी फिल्में आ रही है, चाहे वो कितने भी बड़े स्टार हो अपने जगह पे, अपने आप को कितना ही बड़ा पिलर मानते हो, सब के फिल्में आज के डेट में फ्लॉप है। हम तो बैचुलर एल्बम आर्टिस्ट हैं, हम तो उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते, सब के फिल्में फ्लॉप है और हर प्रोड्यूसर आज के डेट में ही बोलता है यार रिकवरी नहीं है रिकवरी नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जोड़ियाँ हिट है और जोड़ियों की वजह से ही इंडस्ट्री चल रही है। अच्छा, ये भी जान चाहूँगा, आपका भी काफ़ी लंबे समय से ताल्लुका है इंडस्ट्री से, जितने भी लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कुछ सही लोग रहते हैं कुछ गलत लोग रहते हैं, अनुभव अच्छा बुरा होता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपका कैसा अनुभव रहा है, और अगर गलत अनुभव रहा है तो आपने कभी आवाज़ उठाई उसके खिलाफ कुछ चीज़ों के खिलाफ? मैंने जैसा कभी बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम चाह के भी नहीं बोल पाते, हम चाहते हैं बोलना पर नहीं बोल पाते। और हमारी इंडस्ट्री की बेसिकली जहाँ तक बात करूँ तो हमारी इंडस्ट्री मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे गंदी और सबसे कचरा इंडस्ट्री है, वेरी फ्रेंकली बोल रही हूँ मैं, इसलिए
विवाद वहाँ भी होते हैं, बॉलीवुड में भी विवाद होता है, बड़ा से बड़ा, यहाँ सलमान खान शाहरुख खान थप्पड़ मारने तक का विवाद हुआ, लेकिन इतना छींचा लेदर कभी नहीं होता। टॉलीवुड में भी विवाद होते हैं, तेलुगु में, तमिल में, लेकिन इतना छींचा लेदर कभी नहीं होता। हमारे यहाँ तो हर महीने कोई नया नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, या नई नई चीज़ें पैदा हो जाती, पता नहीं कहाँ से सब, जो जिसके आज आप घुस घुस के काम कर रहे हो, सारी चीज़ें हो रही है तो कोई नहीं जानता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो पूरी मीडिया जान जाती है, पूरा पब्लिक जान जाता है, ये गलत है। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि आगे चल के, मतलब आप लड़की हैं, करियर बना लिए हैं, शादी भी करेंगे, किस किसी के इंसान से रिश्ता करेंगे, इंडस्ट्री के किसी इंसान से? नहीं, इंडस्ट्री का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपने घर के मर्जी के साथ ही करूँगी, मेरी फैमिली वाले जिससे चाहेंगे मैं उसी में शादी करूँगी, इंडस्ट्री का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। और इवन अगर इंडस्ट्री का हो तो मेरी तरह फ्रैंक हो, जो चीज़ों, मतलब जिसे डर के दब के नहीं, टू बी जो भी चीज़ें एकदम फ्रैंकली बोले कि हाँ ये है तो ये है, मतलब जो ऐसे घुसड़पट्टी लोग है ना हमारी इंडस्ट्री में, उस टाइप के लोग नहीं चाहिए मुझे। फिर भी क्या क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री के किसी भी इंसान से आप शादी करते तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहता है करियर के हिसाब से? नहीं, शादी ब्याह जो चीज़ होती है वो फायदे और घाटे के लिए नहीं किया जाता है। शादी ब्याह है कि मतलब वो जिंदगी भर चलाना है उसके साथ, हम फायदा घाटा हम कोई डील थोड़ी कर रहे हैं कि फायदा घाटा देखेंगे। अच्छा। तो और इंडस्ट्री के जो लोग, उनका कोई गारंटी नहीं है, वो कब किधर करवट मार दे, अभी पता चला जिसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, तो कोई गारंटी नहीं होती यहाँ के लोगों की। तो फिर भी तो ऐसे माहौल में आप सस्टेन कैसे करें, मतलब आप कैसे इतने साल तक काम कर रही हैं, आप खुद बोल रही हो कि पता नहीं। तो देखो ना, मैं तो वही तो बोल, मैं बहुत फ्रेंडली बात करती हूँ, शायद हो सकता है इसके लिए मुझे भी कमेंट्स में गालियाँ सुनने को मिले, या हो सकता है जो चीज़ लोग मेरी बात को समझे वो तारीफ भी करे। मैंने आज तक किसी के साथ काम नहीं किया, ना पवन जी के साथ, ना दिनेश जी के साथ, ना खेसारी जी के साथ, किसी के साथ नहीं। क्यों? सब अपना अपना गोल बना के बैठे हैं कि ये मेरा गोल है, ये मेरी हीरोइन है, ये मेरा डायरेक्टर है, ये मेरा प्रोड्यूसर है, ये मेरे आर्टिस्ट है, ये मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है, वो उनके साथ ही करेंगे। भाई हमारी हीरोइन फिक्स है, हम चेंज नहीं कर सकते अपनी हीरोइन, फिल्म चाहे भाड़ में जाए, हिट हो फ्लॉप हो, मुझे मतलब नहीं है। तो जब ऑलरेडी ऐसे गोल बना हुआ तो घुसने का जगह ही नहीं है, और हम कोशिश भी नहीं करते। भाई हम अपने एल्बम से बहुत खुश हैं, अपने स्टेज प्रोग्राम से बहुत खुश हैं, वो नहीं चाहिए, ये सब छींचा लेकर नहीं चाहिए। अभी हाल ही में देखिए, अभी मी टू हुआ था तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा, आपको पता है कि हर किसी का नकाबपोश हो गया कि जितने लोग जुड़े थे इस इंडस्ट्री से, भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है, लेकिन उस चीज़ के बारे में अगर अक्षरा जी आज पवन जी के बारे में बोली है, आप कह रही हैं कि ठीक है ये गलत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी होता है, वो कोई भी इंसान हो? बोलना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप, मैंने तो ये भी बोला ना कि आप बोलिए, लेकिन ऐसे मीडिया के सामने आ करके अपनी रेपुटेशन की बाट लगाओ, दूसरे की रेपुटेशन की बाट लगाओ, ये गलत है, तब गलत है। आज आप उनका एक और मैंने सुना था एक लाइन कि मेरी पब्लिक मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे गानों के बहुत व्यूज़ जाते हैं। मुझे जहाँ तक पता है, मैं बहुत अच्छे से तो नहीं जानती उनकी गायकी के बारे में, क्योंकि अभी अभी उन्होंने गाना स्टार्ट किया है, तो उनका पहला गाना भी पवन जी ने ही उनसे एल्बम में गवाया था, राइट? शायद बोलबम का गाना था, पवन सिंह के गाना बजा के मैं भी, ये था, मुझे याद नहीं है शायद। तो जिस इंसान ने आपको गायकी सिखाई है, जिसके चलते आप आज एल्बम्स कर रहे हो, उसने तो एक बार भी नहीं बोला ऐसे ऑन मीडिया के कि यार मैंने उसको गायकी सिखाई, वो मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रही, उसने तो कभी ऐसा नहीं बोला। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं मानती हूँ कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें, आप FIR करो, करो, लेकिन ऐसे मत करो ये जो आप बेइज्जती करा रहे हो सारे लोगों की, ये मत। अच्छा, आमतौर पर आप ये भी पूछना चाहूँगा कि एल्बम्स की बात कर रहे हैं, आप एल्बम से काम करती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री का जो माहौल है पैसे को लेकर, मतलब बहुत कम पेमेंट होता है आर्टिस्ट का, मेहनत वो भी करते हैं, नाम भी होता है उनका, लेकिन ये सब जो माहौल है, इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि, और बजट भी कम होता है, ये सब चीज़ में थोड़ा मेन रीज़न वही है जो बताया ना मैंने कि वो जो पिलर्स और जो गोल बना के सबने रखा ना, मेन रीज़न वही है। अभी क्या होता है, तीन टाइप की फिल्में हमारी इंडस्ट्री में बनती हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। तो ए ग्रेड की फिल्में जो होती है वो तो हमारे स्टार्स को लेके बनती है, जहाँ की उनकी ही हीरोइनें होती हैं, उनके ही सारे लोग होते हैं वहाँ पे, दूसरे लोगों के लिए जगह नहीं होती। तो बच गया हमारे पास बी ग्रेड की फिल्में, और ए ग्रेड की फिल्मों की रिकवरी ऑलमोस्ट जितना खर्चा होता है उतना मे बी हो जाता होगा रिकवरी, और जो बी ग्रेड की फिल्में बनती उसकी रिकवरी नहीं होती। और जब रिकवरी नहीं होगी तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कहाँ से पैसे देगा, अपने घर से तो देगा नहीं, घर से जाते। और एक और बात बोलना चाहूँगी अपने तरफ से, जब भी कोई लड़की आवाज़ उठाती है किसी के खिलाफ, पिछली बार भी जो सीन हुआ था कि खेसारी जी का और प्रियंका जी का जो भी विवाद था, मुझे नहीं पता क्या था, उसके बाद भी देखिए कौन कहाँ है, वो वहीं के वहीं स्थिर हैं, और जिसने आवाज़ उठाया वो कहाँ पहुँच गई, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है कि अगर तुमने सच बोला, अगर तुमने मुँह खोला तो तुम्हारे
तुम्हारी वो स्थिति कर देंगे, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे और तुम्हारा मतलब भाव एकदम नीचे गिरा देंगे, तो तुम घर बैठ जाओ, ये स्थिति हो जाती है। और ये भी जानना चाहूँगा, इतने सालों से जुड़ी है, इतनी मेहनत कर रही है, तो वो रिटर्न मिल पाया आपको जो आपने मेहनत की है इतने सालों से, आर्थिक तौर पर या जो आप पहचान चाहती थी उतना संतुष्ट हैं? मैं अपने पहचान से बहुत खुश हूँ, मेरी इतनी पब्लिक मेरे पास है जो मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती है और मैं इस चीज़ से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अपने एल्बम से, अपने स्टेज शो से बहुत संतुष्ट हूँ और फिल्मों से मुझे ऐसे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, फिल्में बीच बीच में करती रहती हूँ, छोटी मोटी फिल्में, क्योंकि मैं चमचागिरी नहीं कर सकती, किसी के साथ जाके बैठ नहीं सकती, उसके साथ दारू नहीं पी सकती, टाइम पास नहीं कर सकती, इसलिए मैं ज़्यादा बड़े स्टारों के साथ फिल्में नहीं कर पाती हूँ। और जो मेरे पास सामने से फिल्में आती है, फिर चाहे वो स्टारों की फिल्म हो या नॉन स्टार फिल्म हो, नए लड़के की फिल्मों में मना नहीं करती, मैं सारी फिल्में करती हूँ। तो मैं, मुझे जितना मिला है इंडस्ट्री से या जितना मिल रहा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ।